पेशावर का हलका NH-31 इन चंद हलकों में से एक है जहां हमेशा से ही तारीखी मुकाबले होते आए हैं। इस हलके से मुख्तलिफ जमातें मुख्तलिफ उम्मीदवारों को टिकट देती आई हैं, मगर एक जमात ऐसी है जिसने हमेशा एक ही ख़ानदान के लोगों को टिकट दिया है, या ये कह लें कि इस ख़ानदान का ये एक तरह से आबाई हलका भी है, और वो ख़ानदान है बिलोर ख़ानदान। बिलोर ख़ानदान को हमेशा से NP ने पेशावर के NH-31 से टिकट दिया है और वो अक्सर यहाँ से कामयाब भी होते आ रहे हैं। पेशावर के हलका यानी कि NH-31 इस वक्त उन 8 हलकों में से एक है जहाँ पे इमरान खान खुद ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो 16 अक्टूबर को ज़मीनी इंतखाब होने जा रहा है। इस वक्त यहाँ इस हलके में एक दफ़ा फिर एक बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर जो है वो बिलोर ख़ानदान के ग़ुलाम अहमद बिलोर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस हलके से आमने सामने हैं। ये दोनों शख्सियत इससे पहले भी 2013 के आम इंतखाबात में भी जो है वो आमने सामने थी, और इन दोनों के दरमियान ही एक तगड़ा मुकाबला हुआ था जिसमें इमरान खान यानी कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग़ुलाम अहमद बिलोर को एक वाज़ह शिकस्त दी थी। मगर उसके फिर 2 माह बाद ही ज़मीनी इंतखाब में ग़ुलाम अहमद बिलोर ने अपनी नशस्त उनसे दोबारा वापस छीन ली थी। ग़ुलाम अहमद बिलोर जो है वो 2008 के आम इंतखाबात में भी इस हलके से कामयाब हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को इस हलके से वाज़ह शिकस्त दी थी। 2018 के आम इंतखाब की बात करें तो 2018 के आम इंतखाबात में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत अली ने इस हलके से जो है वो ग़ुलाम अहमद बिलोर का मुकाबला किया, और एक दफ़ा फिर ग़ुलाम अहमद बिलोर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने शिकस्त दी थी। अब जो है वो कौमी असम्बली के जिन 9 हलकों से इस्तीफे मंजूर हुए वहाँ पर जो है वो उनमें से 8 हलकों में दोबारा ज़मीनी इंतखाब होने जा रहा है, जिनमें से एक हलका पेशावर का NA-31 भी है जो कि माजी में NA-1 यानी कि NA-1 था और अब NA-31 है, इसमें भी मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ बहुत सख्त मुकाबला होने का इम्कान है, और इमरान खान और ग़ुलाम अहमद बिलोर दोनों जो है वो तगड़े उम्मीदवार हैं। ग़ुलाम अहमद बिलोर अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसको खुद लीड कर रहे हैं, जबकि इमरान खान की इंतखाबी मुहिम को उनके जो पेशावर के MNS MPs हैं और दीगर रहनुमा हैं ज़िले सदूर हैं वो लीड कर रहे हैं। देखना यह है कि इस हलके में जो है वो अब 16 अक्टूबर को कौन सा उम्मीदवार कामयाब होता है, क्या एक दफ़ा फिर ग़ुलाम अहमद बिलोर जो है वो इमरान खान से शिकस्त खा जाएंगे, या इस दफ़ा जो है वो इमरान खान को वो शिकस्त देंगे। ये 16 अक्टूबर को ही इसका फ़ैसला होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पंजाब असम्बली के हल्के PP-139 और 241 में किन उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है तो यहाँ देखिए, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुल्तान के हल्के NA-157 में इस वक्त क्या सूरत हाल है और कौन कौन से उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं तो यहाँ देखिए।